हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सारा मैग्नेटिक इफेक्ट बुक में से निकाल के मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट ने आपके माइंड को, आपके ब्रेन को किस तरह से अफेक्ट किया है। तो चलिए, यू ऑल आर वेलकम हियर विद सम क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व इट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोगों ने अपना दिमाग लगाना है। पहले आपने ट्राई करना है इसका आंसर का, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर आपको एक बार मैग्नेट शो की हुई है और इस बार मैग्नेट के अराउंड 4 कंपास जो है वो प्लेस की हुई है। तो आपने क्या ढूंढना है कि इन कंपास में से कौन सी पोजीशन वाली कंपास जो है अपनी नीडल की जो डायरेक्शन है वो राइट डिस्प्ले कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए देखो, आप चेक करना है कि ये नॉर्थ और साउथ क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। अब जो आपने देखना है, दो तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो कंपास नीडल है उसका जो एरो होता है, तो ये एरो किसको शो करता है, ये नॉर्थ एंड को, और इसकी टेल जो है वो साउथ पोल को इंडिकेट करता है। तो इस बेस पे आपने चेक करना है कि 1, 2, 3, 4 कौन सी पोजीशन वाली जो है कंपास जो राइट डिस्प्ले कर रही है अपनी कंपास नीडल को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक तो ये, दूसरा आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये भी आप अच्छी तरह आता है। तो उस बेस पे आपने पहचान करनी कौन सी कंपास नीडल की पोजीशन राइट सही है, ठीक है। तो इसमें से आंसर जो है वो एक से ज्यादा आंसर भी ठीक हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखो, यहां पे देखो एन पोल और इसका एन पोल दोनों दूर दूर हैं, इसके पास में इसका एस पोल रह सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां हम देखेंगे कि एरो जो है एन की साइड में नहीं रह सकता, क्योंकि एन एन को रिपेल करेगा। इसकी टेल इसके पास रह सकती है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ ये दोनों आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपने सारी नीडल्स को चेक करना है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप जानते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, तो जैसे मान लो मैंने ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी, अब इसके एरो आपने फाइंड करने। देखो, हमेशा ही जो ये एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, और जो आपकी कंपास नीडल है ये किस डायरेक्शन में जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन को दिखाएगी। तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर आएंगी, तो ये डायरेक्शन ठीक नजर आ रही है, यानी कि ए पोजीशन जो है ठीक नजर आ रही है। दूसरी देखो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल सही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये वाली दूसरी पोजीशन भी ठीक है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है, एंटर कर रही है एस के अंदर, तो यहां पे इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन जो है इसकी रॉन्ग है। फिर देखो, यहां पे डायरेक्शन देखो किधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी इधर, तो ये भी पोजीशन जो है गलत है। यानी फर्स्ट और सेकंड जो है ये दोनों कंपास नीडल जो है डिस्प्ले ठीक कर रही है, थर्ड और फोर्थ जो है गलत है, ठीक है। फिर देखो, आप एक जो स्ट्रेट कंडक्टर आपको एक वायर दिखाई गई है, उसके ऊपर करंट जो है एरो से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें फाइंड करना है कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन के अंदर आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, अब आपको याद आ गया होगा कि आपने थंब को किधर इंडिकेट करना है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर अपनी फिंगर्स को इन सर्किल करना है, यानी कि इस कंडक्टर को होल्ड करते हुए फिंगर्स इन सर्किल करेंगे। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि जब आपकी फिंगर्स ए पॉइंट तक पहुंचेंगी, तो उस समय डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी। तो इसमें से आंसर आपने देना आउट ऑफ द पेज या इन टू द पेज, करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा आउट ऑफ द पेज, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग कंडक्टर। तो यानी कि आप ये मान लो, यहां पे क्वेश्चन दूसरा ही वाला, लेकिन आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि ये एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर देखो, इनसाइड लॉन्ग सोलेनोइड, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है या सेम एट ऑल पॉइंट्स होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं आपको यहां पे नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि आप लोग वीडियो कितने ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं। तो इसका आंसर आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी क्या है, एक सोलेनोइड आपको दिखाई दे रही है,
इसमें आपने क्या फाइंड करना, देखो क्वेश्चन मार्क देखो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क मींस इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सा एंड नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा पोल साउथ बनेगा, ठीक है। यहां देख के क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो शो नहीं की हुई, तो अभी मैं इसको शो कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप बताओ, अब आप बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड को चेक करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। तो देखो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, एमर्ज हो रही है, तो वो कौन सा एंड होगा? ये वाला नॉर्थ पोल होगा, और जहां पर एंटर कर रही है वो वाला साउथ पोल होगा। हो गया स्टूडेंट्स क्लियर? बस ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। फिर देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे देखो एक सोलेनोइड थी, यहां पे टू पोल्स के एंड, दो एक मैग्नेट के दो एंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब आपने यहां पे चेक करना है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। तो बड़ा इजीली आपको देखो डायरेक्शन दिखाई दे रही है, तो इस बेस पे आप यहां बता सकते हो कि ये वाला नॉर्थ पोल बनेगा और ये वाला साउथ बनेगा, ठीक है ना। एमर्ज कहां से हो रही है और मर्ज कहां पे हो रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर जो प्लेस की गई है नॉर्थ और साउथ दो पोल्स के बीच में, तो हमने देखना है कि इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो है फोर्स किधर लगेगा, इसकी मोशन किधर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर दिया हुआ है, अब आपने क्या चेक करना है, मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर यानी किधर जाएगी, इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो फोर्स फाइंड करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, याद आ गया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फोर्स फाइंड करने के लिए, तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से अपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। अब करंट दिखाई दे रहा आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, ये वाली फिंगर, फोर फिंगर, ये नीचे की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरफ मेरी तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स इधर। अब आपका जो फोर्स थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, थंब जो है वो आउट ऑफ द पेज, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, आउट ऑफ द पेज। तो ये प्रैक्टिस जो है आप लोगों ने करनी है इस तरह से, ये इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइडेंटिफाई पोल ए। अब स्टूडेंट देखो एक सोलेनोइड आपको यहां पे दिखाई दे रही है, उस सोलेनोइड के ऊपर जो कॉइलिंग की हुई है उसके अंदर करंट का फ्लो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहां पे देखो करंट का फ्लो देखते हुए आपने बताना है आइडेंटिफाई पोल ए, पोल ए नॉर्थ है या साउथ है। तो यहां पे आपने कौन सी साइड बनेगी इसको कैसे बताओगे, ये अपना दिमाग लगाना है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताना है आपने, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने आंसर देना है कि यहां पे नॉर्थ बनेगा या साउथ पोल बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो आप, यहां पे भी एक सोलेनोइड जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यहां पे बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर करंट का फ्लो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसके पास ये कंपास नीडल रखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या बताना, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल किधर होगा। ये जो ए बी साइड दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो आपने बताया कंपास नीडल की जो है मूवमेंट वो टुवार्ड्स बी होगी या अवे फ्रॉम बी होगी, टुवार्ड्स या अवे। तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना, ठीक है। तो जल्दी देखते हैं कि कैसे आपका आंसर मिलता है और कितने जनों का ये ठीक होता है। स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी जो है वो विद यूजिंग टू कॉइल के साथ कैसा होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि आपने एक कॉइल को लिया था और उस कॉइल के पास में मैग्नेट को, बार मैग्नेट को आप मूव करते हुए इनसाइड और आउटसाइड, यानी इन दोनों की रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए दूसरे को मूव करना है इनसाइड आउटसाइड, तो इससे क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हुआ था। तो यहां पे ईएमआई को हमने अभी पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या करें, टू कॉइल्स को लिया हुआ है, ठीक है, यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होगी इनकी, फिर भी इनके अंदर जो है वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो पैदा होगा, ठीक है। तो ये स्पेस में क्वेश्चन इसी तरह मैंने नोट कर दिया यहां पे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बिफोर लास्ट ईयर जो सीबीएसई हर साल अपना सैंपल पेपर इशू करती है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, ऑब्जर्व द गैल्वेनोमीटर नीडल इन द 3 सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे 2 कॉइल्स आपको शो किए हुए हैं, ठीक है, इनको अलग अलग भी हम
बना के पास में रख सकते हैं, लेकिन एज इट इज जैसे क्वेश्चन आया था, यानी कि एक ही रॉड के ऊपर जो है दोनों कॉइल्स पास पास में कॉइल की हुई थी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें नाम भी दे सकते हैं कि ये कॉइल ए है और ये कॉइल बी है। अब देखो कॉइल ए को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है और कॉइल बी को जो है हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये देखना है कि कॉइल ए के अंदर करंट को फ्लो करने पे कॉइल बी के अंदर क्या कोई करंट पैदा होता है, क्या करंट इंड्यूस होता है। अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्वेश्चन था कि थ्री सिचुएशन कैसी होगी कि व्हेन की के इज क्लोज। अब देखो स्टूडेंट्स, स्विच ऑन ऑफ तो आपको क्लियर है, लेकिन की क्लोज यानी कि अब ये ओपन की है, जैसे मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी कि मैंने यहाँ पे करंट पास करना शुरू कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही हम यहाँ पे की को क्लोज्ड करेंगे तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी। अब जैसे ये होगी तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेकिन अभी क्लियर कर दूंगा कि जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, तो वो राइट साइड में डिफ्लेक्शन को शो करेगी, ठीक है स्टूडेंट। फिर दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन की इज ओपन, यानी कि की को फिर वापस हमने ओपन कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है अगेन डिफ्लेक्शन शो करेगी, लेकिन इस बार इसका डिफ्लेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशन में, जब आप एज सून एज हम स्टार्ट करेंगे जैसे करंट देना इसको, उस टाइम मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है, वापस जीरो कंडीशन के अंदर आ सकता है, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे यानी कि की को ओपन कर देंगे तब भी डिफ्लेक्शन जो है वो पैदा होगा, करंट पैदा होगा इसके अंदर। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, कंटिन्यू पासिंग करंट थ्रू कॉइल ए, अब कॉइल ए में से करंट को कंटिन्यू पास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, ये जीरो कंडीशन में ही रहेगा, अब कोई करंट पैदा इंड्यूस नहीं हो रहा करंट, ठीक है। तो ये उसके आंसर थे। अब ये कैसे होता है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लो, सोलेनोइड मान लिया आपने, जब इसमें से करंट पास करेंगे सोलेनोइड के अंदर से तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर या इसका डिजाइन कैसा होगा, वो भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो इसका डिजाइन कैसा होगा, एज अ बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो बार मैग्नेट की तरह जब अपने स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं तो ये देखो इस तरह से, इसके अंदर जैसे करंट पास किया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड शुरू हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इस कॉइल के अंदर भी जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी कॉइल से रिलेटेड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मींस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी यहां पे एंटर कर रही है। तो पहले क्या था, यहां पे जीरो थी, कुछ नहीं था, जैसे स्विच ऑन किया इसके अंदर मैग्नेट फील्ड पैदा हुआ और इस मैग्नेटिक फील्ड का असर जो है इस कॉइल बी के रिलेटेड भी हुआ। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आने के कारण यहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, उस कारण से डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब देखो जब चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस्ड होता है, तो ये कंटिन्यू जो पास हो रहा है तो इतनी जितनी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानी थी वो जा चुकी है, जितना फ्लक्स पैदा होना था वो यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन अब चेंज नहीं हो रहा। फिर ये क्या होगा कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करके वापस जीरो की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑफ करेंगे अपने, तो जैसे ही ऑफ करेंगे तो ये वापिस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर फिर चेंज आएगा, तो चेंज आएगा तो फिर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि करंट वहां पे पैदा होगा, तो इस बार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। और फिर जब हम कंटिन्यू पास कर रहे हो तो अभी मैंने बता दिया आपको कि जब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया, चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, करंट पैदा वहां पे नहीं होगा। तो ये तो थी इसकी कहानी। लेकिन अभी जो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसको पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में ऐसा क्यों बताया, तो ये पहले लेफ्ट साइड में या राइट साइड में हो सकता था। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक रूल जो है बताता हूं, लेकिन ये 10th लेवल में आपके पढ़ना नहीं है आपने, लेंस लॉ, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ा कहानी समझ में आ जाएगी आपको। तो इसको समझते हैं अपने, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि राइट साइड में क्यों जाएगा। देखो करंट जिधर पैदा होगा, जिस तरह से इसका फ्लो होगा उस कंडीशन, यानी अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो ये राइट में, अगर करंट उल्टा फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, ठीक है।
तो लेंज लॉ में क्या होता है, ये सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके, तो इसको थोड़ा मैं बताता हूं आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये मैंने एक सर्कुलर कॉइल ली, ठीक है, कंडक्टर, और यहां पे मैंने एक बार मैग्नेट को लिया। अब बार मैग्नेट को मैं यहां पे इसके अंदर की तरफ लेके आ, एक दूसरी सिचुएशन में इस तरह से, क्योंकि डायग्राम अलग तरीके से भी आ सकते हैं, तो यहां पे मैं दूसरी सिचुएशन भी बना देता हूं कि बार मैग्नेट को यहां पे पहले हम इनसाइड ला रहे थे, अब जो है हम आउटसाइड इसको दूर लेके जा रहे हैं, पहले अंदर ला रहे हैं फिर बाहर ला रहे हैं। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको सिंपल वे में समझाता हूं। ये हमारा होम है, ठीक है स्टूडेंट्स, और बाहर से कोई स्ट्रेंज पर्सन आ रहा है, हमारे घर के अंदर आना चाह रहा है, क्या हम उसको अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम उसका अपोज करेंगे, उसको अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे डायग्राम पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जब आप बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लेके आ रहे हो तो यहां पर आपको पता है करंट इंड्यूस होगा, ये वाली कहानी ईएमआई के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि आपको पता है कि यहां मैग्नेट के साथ क्या रिलेटेड है, यहां पे आपके साथ जो रिलेटेड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट पैदा होगा, लेकिन यहां पूछा जाएगा कि करंट की डायरेक्शन, यानी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किधर होगी। अब डायरेक्शन के बेस पे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये वाला जो एंड है वो किस तरह का पोल बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये स्ट्रेंज पर्सन हमारे घर के अंदर एंटर करना चाह रहा है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसका अपोज करेंगे, तो बिल्कुल यहां पे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि आप इसका अपोज कैसे कर सकते हैं। हम इसका अपोज ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम यहां पे नॉर्थ पोल पैदा कर दें, यहां पे अगर हम ये नॉर्थ साइड जो बना देंगे तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ, तो इसको अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल बनने के लिए यहां पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, डायरेक्शन किस तरह से। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि करंट का फ्लो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इस तरह से एंड को, यानी कि एन को लेके इधर आ रहे हैं, तो इसमें जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट्स इसी बात को हम यहां समझते हैं। अब क्या है कि वो पर्सन हमारे पास रह रहा है, हमारी उसके साथ जानकारी हो गई है, ठीक है, वो पर्सन अच्छा है। अब वो घर से बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, जब दूर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि भैया मत जाओ, रुक जाओ यहीं पे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए अब जो है करंट का फ्लो किस तरह से होगा, या यहाँ पे पोल कैसा बनना चाहिए। देखो ये कौन सा पोल है, एन, तो यहाँ कैसा बनना चाहिए इसको रोकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एस बनना चाहिए। तो S की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे करंट जो पैदा होगा वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। समझ आ गया बेटा, यानी कि ये यहां पे क्लॉकवाइज जब बाहर जा रहा है तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रहा है तो ये उसको अपोज, यानी जब बढ़ा रहा है कोई उसको लेके आ रहा है, उसको अपोज करना होता है। यहां पे जो कम कर रहा है उसको भी अपोज करना है, कमी को भी रोकना है, उसकी इंक्रीजिंग को भी रोकना है, ये लेंस लॉ। तो यहां इतना समझ आने के बाद अब आपने यहां देखना है कि इसकी जो डिफ्लेक्शन है नीडल की, या वो राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी, तो उसको बड़े अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां करंट के अकॉर्डिंग आप जब देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला पोल जो है आपको दिखाई देगा एस पोल। अभी देखना बेटा, ये वाला पोल आप चेक कर लेना, ये आपको एस पोल साउथ दिखाई देगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो क्लॉक, यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला पोल बनेगा एन। तो इसका इफेक्ट जब इसके ऊपर जाएगा तो इसने क्या करना है, इसने अपोज करना है, यानी कि एन को रिपेल करने के लिए यहाँ पे भी पोल कैसा बनेगा, एन। तो एन बनाने के लिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज ही पैदा होगा। इधर एन बन रहा है तो एन को अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे एन पोल बनाएंगे, इसलिए हम डायरेक्शन दिखाएंगे इस तरह से। तो इधर से डायरेक्शन जा रही है इधर, तो जिधर करंट का फ्लो होगा इसकी डिफ्लेक्शन भी उधर होगी, राइट साइड, ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा केस कि जब हम की को ओपन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप करंट को यहाँ पे रोक दोगे तो यहाँ पे कम होगा, यानी कि डिफ्लेक्ट जो नेगेटिव फील्ड है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा एंड है, पोल कौन सा है, एन। तो एन को
रोकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल पैदा होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए। तो एस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट आनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगी, यानी कि ये डिफ्लेक्शन इस तरह से करंट का फ्लो जो है ऊपर की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज के लिए एस बनाने के लिए। तो अब जो फ्लो देखो कैसा हो रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो जिधर करंट का फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल भी उधर जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दो छोटे से टॉपिक जिससे स्टूडेंट मुकुल की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और हम लोग जनरल नॉलेज ले लेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में। यानी कि इन दो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, कोई क्रैम नहीं करना। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इट मींस कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। तो वो कैसी मैग्नेट है इसके बारे में हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अर्थ की जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो ये हमने स्ट्रक्चर बना ली, इसके टू पोल्स होते हैं ये भी हमें पता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो डायरेक्शन भी बनानी होती है हमने पेज के ऊपर, तो नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो स्टूडेंट्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनको हम जियोग्राफिकल पोल भी बोलते हैं, यानी कि ये अर्थ के नॉर्थ पोल और अर्थ का ये साउथ पोल, ये इसके जियोग्राफिकल पोल है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि अर्थ की मैग्नेट कहाँ है। तो स्टूडेंट्स अर्थ के मैग्नेट को फाइंड करने के लिए आप कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं अर्थ के ऊपर, तो आपको पता है कि उसकी डायरेक्शन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वो स्टेबल हो जाती है। तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ और साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम अभी देखो इसकी जो मैग्नेट है, इसको इमेजिनरी मैग्नेट होती है, इमेजिन किया गया। तो इसकी इमेजिन को हम ये देखते हैं कि इस तरह से मैग्नेट को शो किया जाता है। और अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका नॉर्थ साउथ पोल कौन सा होगा, यानी कि इसके अंदर एक मैग्नेट को इमेजिन किया गया, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट को इमेजिन किया गया है। अब इसके पोल्स को हमने डिसाइड करना कैसे, देखो कोई भी कंपास नीडल या कोई सस्पेंडेड फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल दिखा रही है, तो यहाँ पे कौन सा एंड या कौन सा पोल होना चाहिए इसका। देखो अगर मैं यहाँ पे एन लिखूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। अगर मैं यहाँ पर साउथ पोल लिख देता हूं एस, तो ये बात ठीक बन जाएगी, यानी कि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये नीडल यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे मैं लिख दूंगा एन पोल। तो इस तरह से ये जो इमेजिन किया गया है एक मैग्नेट का, इसके कोर के अंदर, यानी ऊपर वाला सरफेस हो गया ये वाला, उसके अंदर जाके जो है इस मैग्नेट को इमेजिन किया गया, जिसका एस पोल जो है ये नॉर्थ की तरफ रहेगा, यानी कि जो हमारा जियोग्राफिकल पोल है उसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। और इस अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ जो पोल हो वो साउथ पोल, यानी कि जो जियोग्राफिकल साउथ है उसकी तरफ रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है इमेजिनरी इमेज है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल मैग्नेट, यानी कि ये अर्थ की मैग्नेट है, इसको हाइपोथेटिकल मैग्नेट काल्पनिक है ये वाली, और इसके एस पोल को हाइपोथेटिकल साउथ पोल और इसके एन पोल को हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो इतनी सी जानकारी हमें लेनी थी। अब इसमें थोड़ा देखो ये ऐसा क्यों पैदा होता है या ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो ऐसा इमेजिन किया गया है कि आपको पता है कि अर्थ की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इसके सेंटर के अंदर, इसके कोर के अंदर बहुत सारा मटेरियल जो है मोल्टन स्टेट के अंदर है, यानी कि जो मैग्नेटाइट सब्सटेंसेस हैं या रॉ मैग्नेटाइट है वो सब इसके अंदर मोल्टन है, और इनका ये फ्लो चलता रहता है, ये मूव करते रहते हैं, तो इनके मूवमेंट से ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मान सकते हैं। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो अर्थ की मैग्नेट है ये हाइपोथेटिकल मैग्नेट है, इसके पोल्स जो है ये हाइपोथेटिकल पोल्स बोलते हैं इनको, और इनकी पोजीशन या इनकी लाइन कैसी रहेंगी, यानी कि जो जियोग्राफिकल पोल है ये अर्थ के जो पोल है, तो इसके मैग्नेट के पोल्स जो है उनकी डायरेक्शन उल्टी होगी, यानी कि जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा, हाइपोथेटिकल मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा। इन बातों को ध्यान रखना। तो चलिए इतनी सी बात, अब देखते हैं मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि ह्यूमंस हमारे अंदर भी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। अब ये कैसे होता है इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी हॉट प्लेट को या कोई और हमें टच करें हम, या कोई हमें कोई नीडल प्रिक करे, तो ये जो स्टिमुलस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर
इमीडिएटली यानी कि फास्ट मूविंग के साथ हमारा मैसेज यह पहुंच जाता है ब्रेन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेन अपना वर्क करता है। तो ये बातें आप लोग चैप्टर आगे आएगा बायो के अंदर हम पढ़ेंगे उसके अंदर। तो मैं बता रहा था कि हमारा जो मैसेज है वो मैसेज हमारा ब्रेन तक जाता है और ब्रेन जो है अपना वापिस मैसेज जो उसने काम करना होता है कि इस हैंड को हटा लो, तो इसका मैसेज जो अपने ऑर्गन तक आता है। तो ये जो काम जा रहा है मैसेज का काम हो रहा है जाना और आना, ये बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ होता है यानी एक बिजली की तेजी के साथ होता है। इन मैसेज का जो कम्युनिकेशन होता है वो अपने बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल चलते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट जाने और आने की होती है। इन सिग्नल्स को बनाने के लिए यहाँ हेल्प करते हैं सोडियम आयन और पोटाशियम आयन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आयन्स हैं, ये चार्ज हैं, यानी कि ये फ्लो करते हैं। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो आपने ये पढ़ा है कि जहां चार्ज फ्लो करेगा वहां पर करंट फ्लो करेगा। अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट को हम बोलते हैं आयोनिक करंट। तो अब आप अपने पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि जब कोई करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो करने से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिज्म पैदा होगा। तो ये जो मैग्नेटिज्म पैदा होगा ये बहुत ही वीक होगा, हमारी बॉडी के अंदर एक वीक मैग्नेटिज्म पैदा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमारे टू जो ऑर्गन है बॉडी के, ब्रेन एंड हार्ट, तो ब्रेन एंड हार्ट के अंदर जो है हमारा जो ये मैग्नेटिज्म है ये कुछ सिग्निफिकेंट काफी ठीक मात्रा में हमें जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी को अंदर से स्कैन करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए जो स्कैनिंग होती है उसको बोलते हैं MRI, जिसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता चुका हूं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको स्कैन किया जा सकता है। अब ये पॉसिबल इसीलिए होता है कि यहां हमारी बॉडी के अंदर जो है ये मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है, उसके कारण से MRI टेस्ट जो है वो स्पेशली मैंने बताया ब्रेन का, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट मैग्नेटिज्म हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट बने हुए हैं, जो वायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है, डिफरेंट अप्लायंसेज जो है वो कैसे अरेंज वहां किए हुए हैं, किस तरह से वो लाइट को ले रहे हैं। तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखो, ये वायर जो स्टार्ट हो रही है यहां से आपने देखना स्टार्ट करना है, यानी कि पावर हाउस के अंदर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ये बनी, वहां से वायर्स के थ्रू यहां पोल तक पहुंच गई। तो पोल से टू वायर्स जो है इलेक्ट्रिक मीटर, हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है वहां टू वायर्स पहुंच गई। इसमें से देखो ऊपर लिखा हुआ है L, यानी कि लाइव वायर, तो एक को बोल रहे हम लाइव वायर और दूसरी जो है न्यूट्रल, दूसरी वायर है न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक मीटर के बाद वहां से टू वायर्स निकलेंगी और हमारे घर के अंदर ही एंटर कर रही हैं, और घर में एंटर करते ही एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस मिलेंगे आपको, वहां मेन स्विच मिलेगा, डिफरेंट फ्यूजेस मिलते हैं, या MCB, डिफरेंट MCB लगी होती हैं। ये क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये क्या होता है कि हर रूम के लिए, हर कोई भी कंपार्टमेंट आपके डिवीजन कर रखा है घर के अंदर, तो वहां अलग अलग सप्लाई आप दे सकते हैं और किसी भी एक पार्ट की आप या रूम की या सप्लाई बंद कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट MCB, यानी कि अगर कोई किसी एक रूम के अंदर या किचन के अंदर या कहीं भी कोई फॉल्ट आता है तो उसका MCB जो है वो करंट को ब्रेक कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से टू वायर्स को हमने पूरे घर के अंदर फैला दिया, या हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम के अंदर टू वायर्स पहुंच गए। अब आपने यहां पे कोई आपने फैन चलाना है या कोई और अप्लायंस चलाना है, तो उसको जो है आपने टू वायर्स का जो कनेक्शन देना है, ये एक हमने लाइव वायर का कनेक्शन दे दिया और दूसरा हमने यहां पे न्यूट्रल वायर का दे दिया कनेक्शन, मान लो ये फैन है, तो इस तरीके से ये यहां पे काम करेगा अपना। अब उसके बाद अगर आपने यहां पर अपने फ्रिज को, तो आपको पता है ये हाई रेटिंग अप्लायंस है, तो इसका जो हमने 3-पिन शू, ये इस तरह से स्विच लगा होता है, 3 पिन्स वाला जो है यहां पे स्विच लगा हुआ है, तो इसको जो है किस तरह से करना है, देखो यहां पर एक लाइव वायर को कनेक्शन दे दिया और दूसरा कनेक्शन जो हमने यहां पे न्यूट्रल वायर का दे दिया।
अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर थोड़ा इसको पहले समझ लो। तो स्टूडेंट्स हमारे जो घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो करंट आ रहा है वो 220 वोल्ट का होता है, यानी जो लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर के अंदर कोई जो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पर 220 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पे जीरो है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को यानी पोटेंशियल को जब हम फ्लो करेंगे तभी वो करंट का फ्लो होगा, तो इसको 220 वोल्ट पे, ये जीरो पे, तो यहां से इस तरह से फ्लो जो है करेगा और हमें अप्लायंस जो हमारा पूरा काम करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये थ्री पिन शू जो आप देखते हो यहां तीसरे वाले का क्या काम है, इसको अंडरस्टैंड करना है, यानी कि इस जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है, वो कमी क्या है उसको मैं बताता हूं तीसरी वायर के साथ। तो यहां पर एक तीसरी वायर और होनी चाहिए थी जो होती है लेकिन बहुत कम घरों के अंदर। ये वायर का साइन आपको बुक्स के अंदर इस तरह से दिखाई देगा, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। ये तीसरी वायर जो है बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है ये। तो इसको जो है बोरिंग करके, घर के बाहर जो बोरिंग करके जो है वायर का कनेक्शन जो अर्थ के साथ किया जाता है, और उस वायर को जो है अपने घर के अंदर ले आए। अब इसका यूज या फायदा क्या है उसको बताता हूं। अभी मैंने यह बात की थी ये तो फैन है, इसको टू वायर्स अपने दी और ये काम करने लग गया। यहां पे मान लो कि आपने रेफ्रिजरेटर को चलाना है, ठीक है, या कोई और मेटालिक बॉडी वाला आपके पास अप्लायंस है उसको चलाना है, तो ये जो टिप पिन स्विच होता है इसका ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसका कनेक्शन जो है यहां से किया जाता है अर्थ वायर के साथ। वो कैसे थोड़ा अंडरस्टैंड करें आप। मान लो ये थ्री पिन शू है, तो जो नीचे वाली है एक लाइव वायर हो जाएगी, एक न्यूट्रल वायर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो एक लाइव एक न्यूट्रल, और ऊपर वाला जो कनेक्शन है इसका कनेक्शन जो किया जाता है वो अर्थ वायर के साथ किया जाता है। तो देखो जितने भी आपकी मेटालिक बॉडीज जो होती हैं उनके साथ जो थ्री पिन शू लगा होगा, तो मेटालिक बॉडी का कनेक्शन इस वायर के साथ यहां पे इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है, मेटालिक बॉडी का कनेक्शन इसके साथ होता है। तो इसको जब आप ऐसे लगाएंगे तो इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे हो गया, अर्थ वायर के साथ कनेक्ट हो गया। तो इन द केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, यानी कि कभी भी करंट की लीकेज हुई तो उसके डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए ये अर्थ वायर बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है ये। कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन को यूज करते हैं, प्रेस को, तो मान लो कि उसकी लाइव वायर का जो कनेक्शन है उसकी मेटालिक बॉडी के साथ टच हो गया, ठीक है। तो आपके घर में ये अगर अर्थ वायर नहीं लगी हुई और आपने उसको ऑन किया और आप कपड़े प्रेस करने के लिए जैसे ही उसको ऑपरेट करने लगेंगे, तो मेटालिक बॉडी के साथ अगर आपकी बॉडी फिंगर टच होती है तो उसका लाइव वायर का जो करंट होगा वो आपकी बॉडी में से पास होगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक देगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस चीज से बचने के लिए अगर आपने अर्थिंग करवा रखी है, ये अर्थ वायर का कनेक्शन आपके है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और उसकी लाइव वायर अगर बॉडी को टच कर रही है, मेटालिक बॉडी को टच कर रही है, चाहे वो प्रेस है या कोई और, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर डोर है, ठीक है, तो उसका करंट जो है वो उसी टाइम जो है अर्थ के अंदर पहुंच जाएगा, यानी सारा का सारा फ्लो करंट का जो है वो अर्थ की तरफ रहेगा। ये लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एकदम से फ्लो कर जाएगा करंट सारा वहां। इससे क्या होगा, ओवरलोड हो जाएगा, करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होगा, ओवरलोड हो जाएगा और आपका एमसीबी या कोई फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसी भी अप्लायंस को डैमेज होने से बचा लिया इसने अर्थिंग ने, और आपकी लाइफ को भी बचा लिया, यानी आपको इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचा लिया। तो कितना बड़ा ये हमारा सेफ्टी मेजर है अर्थिंग, ये होनी चाहिए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को आपने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है कि जितने भी अप्लायंसेस जो है हमारे यहाँ पे घर के अंदर लगे हुए हैं सारे किस कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। क्यों लगे होते हैं ये आपने पढ़ा है उसके अंदर, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया कि ये अर्थिंग जो है ये ऊपर वाले पॉइंट के साथ रहेगी, ठीक है। तो इसको मैंने टेढ़ा करके लगाया हुआ है, थोड़ा ये अंडरस्टैंड आप कर लेना। अब स्टूडेंट्स अगर डायग्राम के बेस पे कुछ आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूजेस के बारे में, फ्यूज के बारे में भी आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। तो फ्यूज जो है हमेशा सीरीज के अंदर लगेगा, और कहां लगेगा ये ध्यान रखना है आपने। देखो तीन वायर्स हैं ये वाली, तीनों वायर की कलर कोडिंग को भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है कि ये भी इंटरनेशनल कोड बने हुए हैं ये वायरिंग के लिए, कि इनकी जो इंसुलेटिंग होगी, जो कवरिंग इसके ऊपर होगी, वो लाइव वायर के ऊपर रेड कलर होगा, न्यूट्रल वायर के ऊपर ब्लैक, और अर्थिंग वाली
यानी अर्थ के ऊपर जो है कवरिंग जो कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी। तो ये कलर जो है कन्वेंशन, ये इंटरनेशनली है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें फ्यूज जो है वो कहाँ लगेगा, तो फ्यूज जो है डायग्राम के अंदर आपको कहीं भी यहाँ पे लगाया हुआ मिल सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि फ्यूज जो लगेगा हमेशा वो लाइव वायर के साथ सीरीज में लगेगा, यही यहाँ पे फ्यूज लग सकता है, ठीक है, यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए। तो आप जब भी आपको ये फ्यूज दिखाना होगा वो लाइव वायर के ऊपर, अगर यहाँ लगा हुआ है न्यूट्रल पे तो वो गलत कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, जो स्विचेस लगेंगे यानी कि हर अप्लायंस का अलग स्विच बनता है, तो ये जो स्विच होगा ये भी लाइव वायर के ऊपर होगा, ये आपने ध्यान रखना है। ये अलग जो मेन बातें आपसे डायग्राम में पूछ सकते हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एक बात और, ये जो MCB है ये भी एक तरह के फ्यूज ही है, ठीक है, तो ये सर्किट को कट करेगा। तो फ्यूज के बारे में वो क्या पूछ सकता है कि फ्यूज और अर्थिंग के लिए, यानी फ्यूज और अर्थ वायर दोनों ही हमारे बहुत बड़े सेफ्टी मेजर्स हैं। तो ये क्या काम करते हैं कि अब आपको पता है कि जितने भी आपके अप्लायंस हैं उन अप्लायंस की जो वायर्स होती है उन वायर्स के अंदर, इस तरह से कोई वायर्स है तो इनके अंदर दोनों वायर्स यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक साथ चलेंगी, तो कभी हीट के कारण इनकी इंसुलेटिंग जो है वो मेल्ट हो सकती है और दोनों वायर्स आपस में टच कर सकती है। तो जब ये टच करेंगे यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में टच कर जाएंगी तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है कि एकदम से करंट का फ्लो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा करंट के फ्लो होने से क्या होगा, हीट पैदा होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फायर हो सकता है, ठीक है, आग लग सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज काम करता है, ठीक है ना। तो फ्यूज जो है कोई वायर का बना हुआ है, ठीक है, तो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो कम होता है। ये बात सारी आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ी है, तो बाकी सब मैंने आपको ये बता दिया मेन बातें, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई डाउट हो तो आपने जरूर मेरे से पूछना है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो इसको तैयार करिए और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो नए चैप्टर के साथ।